हेलो दोस्तों, राकेश यूपी ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम यूपी प्रयागराज क्षेत्र में आनंद भवन का व्यू करने चल रहे हैं। अब हम टिकट लेकर अंदर एंट्री कर चुके हैं और आगे एंट्री करते ही चारों तरफ खूबसूरत हरियाली युक्त आनंद भवन देखने में खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और हमारे दाएं साइड देखिए कितना सुंदर एक पार्क दिखाई दे रहा है। और सामने जो आपको गोलाकार एक दिखाई दे रहा है, ये तारा मंडल यहाँ पर स्थापित है। ये देखिए कितना खूबसूरत फुलवारी युक्त आनंद भवन को सजाया गया है। आनंद भवन प्रयागराज का एक ऐतिहासिक भवन संग्रहालय है जो नेहरू परिवार का हुआ करता था। इसका निर्माण मोतीलाल नेहरू जी द्वारा 1930 में कराया गया था, जो नेहरू परिवार के निवास स्थान की तरह उपयोग में होता था, परंतु बाद में इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा उनके स्थानीय मुख्यालय यानी स्वराज भवन में परिवर्तित कर दिया गया। अब यहाँ से हम निकलकर दूसरे किनारे यानी दूसरे छोर पर आए हुए हैं। यहाँ पर देखिए ये एंट्री करने का रास्ता है। और यहाँ पर जस्ट बगल में देखिए एक टांगा को संरक्षित करके रखा गया है। 1970 में भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी द्वारा आनंद भवन को भारत सरकार को दान कर दिया गया था, जिसके बाद इसे नेहरू परिवार को एक श्रद्धांजलि के रूप में एक संग्रहालय में बदल दिया गया। यह संग्रहालय नेहरू परिवार की यादगार वस्तुओं को प्रदर्शित करता है। साथ ही यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठकों की बहुत सारी तस्वीरें जो कि अंग्रेजों शासन काल के खिलाफ अपनी गतिविधियों की बनाने की योजना में अहम भूमिका निभाता था। आनंद भवन में देश को आज़ाद कराने में यहाँ पर काफ़ी लोगों के द्वारा सम्मेलन किया जाता था। यहाँ पर देखिए आज वो सब चित्रों को यहाँ पर सजोकर दर्शाया गया है। यहाँ पर आज काफ़ी भीड़ है। यहाँ पे देखिए यहाँ पर आने पर देश के प्रति हमारे अंदर एक जुनून पैदा होता है। अब यहाँ से निकलकर हम आगे चल रहे हैं। देखिए कितना सुंदर गलियारा तथा कितना खूबसूरत आनंद भवन का व्यू देखिए। क्यारी में फुलवारियाँ भी तथा जस्ट हम दूसरे छोर पर देखिए यहाँ पर टेबल और चेयर लगे हुए हैं। और जस्ट बगल में वेटिंग रूम, यहाँ पर देखिए दोस्तों। आनंद भवन के विषय में जानकारी देने का मेरा तरीका यदि आप लोग को पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी दोस्तों को नमस्कार एवं